अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो अब जिसका डर था वो ही हुआ जी हाँ, वैसे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि अब आपको मालूम है T20 वर्ल्ड कप के बाद अब वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ पाकिस्तान होने वाला है। तो उसके लिए मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक ने एबसेंट होने का ऐलान कर दिया है, यानी कि वो इस T20 सीरीज़ में शामिल नहीं होंगे। वो तो बड़ी खबर सामने आ चुकी है। मैंने आपको पहले भी एक बार इन्फॉर्म किया था कि शायद T20 वर्ल्ड कप के बाद हमें फीस और मलिक नजर ना आए, क्योंकि सीनियर लड़के अब सिर्फ बड़े मैचेस में भी सूट करते हैं, क्योंकि छोटे मैचेस में उनकी खास कोई ज़रूरत नहीं है। बात कर चले उनकी रिप्लेसमेंट की, तो मेरे ख्याल से इफ्तिखार अहमद होंगे, वो तो होंगे ही, लेकिन एक और प्लेयर हुसैन तलत ने लास्ट टाइम नॉर्थ में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और कमाल के फॉर्म में जारी थे मोहम्मद नवाज के साथ, तो अगर उनको वापस लाया जाए तो मेरे ख्याल से वो एक बार फिर से अच्छा होगा। बाकी देखते हैं। लेकिन अभी तक कन्फर्म स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि हफीज़ जो हैं वो खेलेंगे लंकन प्रीमियर लीग, यानी कि जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग है वो, और जो शोएब मलिक हैं उनका अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो रहा कि वो क्या करेंगे। शायद उन्होंने वैसे ही रेस्ट लेने के लिए कहा है, और उनकी तरफ से ये बयान भी सामने आया कि वो अभी तक रिटायरमेंट नहीं ले रहे T20 क्रिकेट से। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और स्क्वाड का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, अगर हो जाएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो आज तक इतनी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा शेयर कर दें।